हमने घर में भी इंशाल्लाह कल से कलर चालू करने वाले। कैसा दिख रहा है आप देखना चाहोगे? इतनी दीवार पूरी टूट चुकी है। कितना सामान है, पूरा फैल गया। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बैठा हूँ और ये सर पे मैंने क्यों लगाया, तो इसके पीछे खाली एक ही वजह है। बहुत टाइम से हम लोग घर में, एक्चुअली पिछले साल से हम लोग प्लान कर रहे थे कलर करने का और कलर हो नहीं पा रहा था कुछ। मतलब पिछले साल तो समझ लो सब सामान वामान सब बाहर निकाल के रख दिए, पर कुछ वजह से हम लोग ने वो टाइम पर कलर नहीं करे थे। तो अभी रमज़ान आ रहा है इंशाल्लाह, तो आप में देखेंगे कि मेरे ख्याल से अभी व्लॉग आया नहीं होगा, पर मेरे आने तक शहजी का व्लॉग आ जाएगा। शहजी के जैसा अभी घर पे कलर हुआ, तो हम लोग घर में भी इंशाल्लाह कल से कलर चालू करने वाले। तो आज मैं, आप देखो आज इधर बेड ही नहीं है, आज बेड नहीं है सब। मतलब अभी शिफ्ट करे, मैं जब सो के उठा तो रुखसार और मम्मा आधे से ज़्यादा सामान जो अब्बा के रूम का है वो पूरा शिफ्ट कर चुके हैं। अभी मेरे रूम का जहाँ पे हम लोग सोते हैं वो रूम का शिफ्ट करेंगे और फिर किचन का शिफ्ट करेंगे और कल से इंशाल्लाह कलर चालू हो जाएगा। तो मैं आपको जब ये पूरा पसारा निकल जाएगा, वो दिखता नहीं है गाइस, जब अपनी मम्मी लोग से दबा दबा के रखते हैं ना वो दिखता नहीं है, पर इतने पसारे रहते हैं कि मैं क्या बताऊँ। डब्बे फिर जो चीज़ यूज़फुल भी नहीं है पर उनके लिए वो बहुत यूज़फुल है, शायद हमको नहीं लगता होगा। इतने पसारे अभी निकाले, मतलब खाली इतने हॉल का पसारा मैं आपको दिखाऊँ, सॉरी बेडरूम का जहाँ पर अकबर रहते हैं उसका खाली पसारा दिखाऊँ, आप बोलोगे इतना पसारा, बहुत पसारा। और देखिए अभी कल से इंशाल्लाह चालू होगा और इसकी वजह खाली ये, एक्चुअली यहाँ पे ना ये दीवार पे ना पीछे से पानी आता है, जब बारिश वारिश होती है ना तो पानी आता है, वो कलर ना रुकता नहीं है वहाँ पे, मतलब वो दीवार ना फटने लगती है। देखो ये कलर इधर से निकले, इधर इधर दीवार फटी है, तो ये टाइम इंशाल्लाह अब्बा बोल रहे हैं कि आधा ना आधा, पहला पूरा बोल रहे थे टाइल्स लगाने का, पर अभी बोल रहे हैं कि आधा टाइल्स लगाएंगे और आधा कलर मारेंगे ऑयल पेंट, पर अभी देखते हैं। उनका प्लान कभी भी चेंज होता है गाइस, वो कभी घड़ी में ये बोलते घड़ी में वो बोलते हैं, अभी देखते हैं क्या करते हैं। बट इतना है कल से कलर का काम चालू होगा। अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं शॉर्ट कैसा बनाऊंगा, क्योंकि जो मैं शूट लेता हूँ वो खाली अब्बा के बेड पर ही लेता हूँ, उसके अलावा मैं कितने नहीं लेता हूँ अपने रूम, मतलब अपने उधर लेता हूँ तो वहाँ पे अच्छी लाइट नहीं आती, अब्बा के इधर कैसा भी ब्राइट दिखता है, तो मैं यहाँ पे शूट लेता हूँ। अभी पूरा वन भी पता नहीं मैं कैसा शूट लूँगा, देखते हैं इंशाल्लाह जैसे ही मैनेज होगा मैं शॉर्ट्स डालने की पूरी ट्राई करूँगा पूरे वन वीक के लिए। और उसके अलावा अभी ये रूम तो हो गया, मतलब रुखसार, अभी ये जो कबर्ड है ये भी पूरा सामान पूरा खाली कर दिए रुखसार और मम्मा ने, और अभी बचा हॉल है, मैं आपको दिखाया तो कि वो इधर की दीवार ये सब निकलेगा, ये सब, ये देखो नीचे की पूरी दीवार कैसी हुई है। कलर करना बहुत ज़रूरी था गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी देखते कि हम लोग इसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे, होपफुली बहुत अच्छे से करेंगे कि कम से कम दो तीन साल तक कुछ काम देखना ना पड़े। और ये रहा जहाँ पे मैं सोता हूँ, ये आई नो बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा होगा गाइस। अभी देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, जितना हम लोग से होगा इंशाल्लाह हम लोग उतना चेंजेस करने की ट्राई करेंगे। पूरा तो अब्बा के हाथ में, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, जितना उनकी कंडीशन रहेगी वो हिसाब से वो करेंगे। बट मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं कुछ न्यू ये चीज़ में पूरा दिखाऊँ। आप देख सकते हो पूरा रूम कैसा है, मैं आपको बाद में पूरा अच्छे से दिखा दूँगा कल जब इंशाल्लाह जब उन लोग तोड़ेंगे वोड़ेंगे जो भी चीज़ इंशाल्लाह कल चालू करेंगे, मैं दिखाऊँगा आपको ये पहला कैसा था बाद में कैसा हुआ है, कितने सारे चेंजेस हुए हैं। ये कबर्ड निकलेगा बाहर, अभी कबर्ड निकालना है और रात में अभी देखते कैसा सोने का इंतज़ाम रहेगा, पता नहीं हम लोगों को। इसे जब पहला कलर कराए थे जब गद्दा जो आता है वो बिछाए थे अब्बा ने अपने लिए, हम लोग के लिए वहाँ पे गद्दा था, अभी देखते कैसा मैनेज होता है। तो ये देखिए पसारे गए, देखिए ये कवर शिफ्ट करे, वो अंकल ने जो बैठे हैं पीछे से साफ करे, धीरे रेड टी शर्ट में, और एक और अंकल जो मैंने थोड़ा सा हेल्प करा क्योंकि वो अकेले की बस की चीज़ें नहीं है, तो मिल जाएगा हिसाब से आगे। अभी और बहुत सारी चीज़ें, 7 दिन है, मैं आपको 7 दिन पकाने वाला हूँ।
तो मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस अभी हॉल की साफ सफाई निकाले थे, अभी पलंग निकाले बाहर, मैं आपको पलंग जाके दिखाता हूँ उसका अलग पसारा। बाप रे बाप, अरे मम्मी ये सब साफ करें, मम्मी के मैं हेल्प करूँगा इस चीज़ में। मेरा जो हम लोग जहाँ पे सोते थे वो ये पलंग है, और मैं आपको बैक कैम से भी दिखाया तो अच्छे से आप अच्छे से देख लो। तो देखिए गाइस ये रहा पूरा पसारा, ये जो मेरा जिधर सोता वो पसारा है, और ये अभी गद्दा डालेंगे उसके ऊपर, और ये अब्बा का पलंग जहाँ पे अब्बा सोते थे, ये अभी जो आपको सुबह दिखाया जो यहाँ पे थे पूरे पसारे वो पूरे बेड पे डाल दिए इधर हम लोग ने, और इसके अंदर डाले। तो गाइस अभी बेडरूम का भी आपको सुबह ही दिखाया था, शिफ्ट हो चुके थे, और दोपहर के टाइम अभी जस्ट हम लोग ने हॉल का शिफ्ट करे, बेडरूम कुछ ऐसा दिख रहा है, पलंग वलंग सब हट चुका है, और हॉल दिखाया था मैं आपको, हॉल कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। इधर भी आज हम लोग इधर गद्दा बिछाएंगे, अब्बा के रूम में भी गद्दा बिछाएंगे, इधर अब्बा गद्दा बिछाएंगे, उधर हम लोग गद्दा बिछाएंगे। किचन का हम लोग काम दो दिन के बाद करेंगे, मतलब क्योंकि अभी लोग जब तक ये और वो वाला रूम करेंगे तो जब तक हम लोग रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट कहेगा मतलब जब तक हम लोग किचन का काम नहीं निकाल रहे, किचन का काम हम लोग दो दिन के बाद निकालेंगे, जब उन लोग बोलेंगे कि ये दोनों काम हो गए फिर उसका दिखाएंगे, वो काम बहुत ज़्यादा है किचन का, देखते हैं। अभी तो आज अलहमदिल्ला अभी तक तो दोनों चीज़ हो चुकी, बेडरूम और हॉल की, अभी देखते हैं कि अभी तो पूरा एक हफ़्ता मिलते रहना पड़ेगा गाइस आपको, एक हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, देखते हैं। The next day. तो देखो गाइस ये मिरर था जो निकल गया हम लोग, यही था ये मिरर भी निकला है, और अभी बज रहे हैं कुछ 10। तो जैसा आपने देखा गाइस कि अभी मिरर निकले हैं, तो अभी बहुत चीज़ है जो अभी हम लोग करने वाले हैं। हम लोग कुछ 9 बजे उठे हैं, अब आप भी निकले, और अभी 1 बज रहे हैं कुछ 10, जैसे आप देख रहे हैं अभी 10 बज रहे हैं, देखते हैं अभी कितने बजे तक काम चलता है, तो मैं आपको दिखाते रहूँगा, और हर चीज़ जो जो चीज़ होगी मैं आपको सब बताते रहूँगा, तो मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस काम तो चालू हो गया, पहला बागे रूम का है, इधर तोड़न गाड़ी चालू हो गई, मैंने 10 बजे आपसे मिला था, अभी बज रहे हैं 10:10, अभी ये तोड़े इधर पूरा लगा के रखें मटकट्टी नहीं जाए, और अभी इधर एक अंकल इधर कर रहे हैं, इधर का तोड़ रहे अंकल, अभी ये तोड़ेंगे पूरा, इतनी मट्टी है अभी, इतनी मट्टी देखते हैं पूरा तोड़ने के बाद में आपको दिखा दो कि क्या क्या चीज़ है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चेंजेस होने वाले हैं इंशाल्लाह। रुखसार का दिमाग है क्या क्या करने का, टाइल वाइल जो भी रुखसार पसंद आती है, और जो हम लोग पसंद आई है टाइल उसमें थोड़ा सीन हुआ तो हम लोग वो टाइल यूज़ नहीं कर पा रहे, बट देखते हैं अभी जो भी आगे का रहेगा, जैसा अभी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और अभी जैसे चलते रहेगा वैसे मैं आपको बताते रहूँगा। इधर भी देखो तो काम चालू है, इतनी दीवार पूरी टूट चुकी है, इधर इतनी इधर का कर रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना कपड़े वपड़े जो बाकी है जो हम लोग को नहीं पहनना है मम्मी लोग वो सब लेके बैठे हैं अभी। आप में देखिए इतने पसारे थे, अभी काम भी चालू है अंदर, अभी हम लोग का नाश्ता वाश्ता तो हो गया, अभी काम चालू है, तो हम लोग ने जो पसारा आपको दिखाया जैसे मम्मी में सब निकाल दो, तो ये पसारा वसारा रखेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे सामान निकालना है, इतने टाइम से ही रखा था तो बहुत सारे सामान निकालना है। अभी ना फ्रिज निकल रहा है, फ्रिज के लिए बहुत कठिनाई हो रही है, एक्चुअली एकदम खाली एक फ्रिज की जगह थी, दरवाजा भी नहीं जा रहा है, नहीं निकल रहा, बहुत परेशानी हो रही है, फ्रिज का सामान इधर है, इधर पूरा पसारा, बाप रे। Meanwhile, so guys अभी बज रहे हैं कुछ 4, मतलब 4 बज चुके हैं, दिख रहा है तो अभी 4 बज रहे हैं, मैं फ्रेश आउट हुआ, नहा लिया, अभी अंकल लोग का काम ऑलमोस्ट हो गया जो उनको करने का था, और अभी ये सब भर के वो गोनी लेके जा रहे हैं, अभी एक्चुअली मतलब मैं वो जाना तो नहीं था, पर राम के वो शोल्डर में पेन हो रहा है जहाँ पे शहजी का ऑपरेशन हुआ था, तो वो डॉक्टर के बाद अभी मैं और राम जा रहे हैं, और शहजी भी वहाँ पे आ रहे हैं, शायद से अभी तक पक्का नहीं है, शहजी भी वहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को जाना ही गया, तो अभी ये काम तो चलता रहेगा मेरे ख्याल से, और 5:30 तक चलेगा, तो जब तक इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा, अगर कभी मेरे को लेट हुआ
तो ये तो साफ हो जाएगा, तो आके हेल्प करने वाली चीज़ रहेगी तो मैं आके करूँगा। तभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल मैम के साथ, आपको आप मिलता हूँ, अगर मैं क्लिप लूँगा तो मैं मिलता हूँ आपको, तो मिलते हैं आपसे आगे। भाई शायद ही आ गए, इनका सरप्राइज था पता नहीं। मैं बोली मैं आ जाती हूँ, पता नहीं क्या था। अभी राम गया उधर एक्सरे का, फिर रूम में घाय घाय मैं लगा जी, इतने घाय घाय मैं ये क्या आपको बता नहीं सकती। दवा में मैंने एक ऑटो में ऐसे मेडिसिन ली, आखिर वहाँ पर मेडिसिन दवा रिक्शे में बैठ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो गाइस अभी मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज है, मतलब अंकल लोग कल आए थे तो आज है डे टू। कल के दिन जब मैं राम के साथ गया था, मतलब राम शहजी लोग राम गया, जब मैं हॉस्पिटल गया था तो डॉक्टर ने एक्चुअली राम के नेक में गैप आ गया, तो उसके लिए उसको मेडिसिन दिए। मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाया वहाँ पे, हम लोग वहाँ से मेडिसिन लिए और फिर जब मैं घर आया तो अंकल लोग चले गए थे। अंकल लोग ने जो उनका जितने भी खुदाई करे थे, उनने जितना भी कचरा वचरा निकला था, अंकल लोग ने पूरा कचरा वचरा भर के अंकल लोग चले गए थे मेरे आने से पहले। तो मैंने कुछ ज़्यादा उसमें शूट नहीं लिया और अंकल लोग अभी आ चुके हैं, तो अभी उन लोग प्लास्टर व्लास्टर करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ कैसा है। ये जो है पानी वाली अंकल लोग ने मार दिए अभी, और अंकल लोग अभी बाहर, तो जो प्लास्टर चालू करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, अभी तो मैं फ्रेश भी नहीं हूँ, फ्रेश होने जा रहा हूँ। फ्रेश होकर कुछ हम लोग नाश्ता पानी करेंगे तो मैं आपको मिलता हूँ आगे। तो ये अभी हो रहा है जो मटेरियल यूज़ होने वाला अंदर प्लास्टर, मतलब उसके लिए, तो ये वो है। अभी अंकल लोग गए हैं, कितने डेढ़ बजे कुछ गए हैं, अभी बज रहे हैं कुछ 2:10। अभी इतना प्लास्टर का काम हुआ है, इतना ये अब्बा का रूम, ये हम लोग का रूम अभी तक हुआ है। इधर तो टाइल्स टाइल्स है, इधर भी टाइल्स ही है, बट ये प्लास्टर लगाने का था। अभी किचन का काम बाकी है, ये रहेगा और ये फ्रिज के पीछे है, जब हम लोग थोड़े टाइम के बाद फ्रिज भी निकालेंगे, ये पूरा उधर से प्लास्टर रहेगा इधर से। जब अंकल लोग आएंगे जब हम लोग निकालेंगे ये फ्रिज इधर का। बहुत थक गए गाइस, आज का दूसरा दिन है, अभी मेरे ख्याल से और 4 दिन या तो 5 दिन और चलेगा ये चीज़। अभी कल इंशाल्लाह टाइल्स लगाएंगे, टाइल्स भी आ चुके, टाइल्स में दिखाऊंगा कल के दिन, अभी तो इधर रखे नहीं है वो, इधर और रखे, तो कल वो चीज़ दिखाऊंगा। अभी अंकल लोग आएंगे फिर देखते हो, किचन वाली चीज़ भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा जब वो निकलेगा। और अभी अंकल लोग गए हैं और अभी हम लोग का पूरा सुबह से इतना लेके बैठे थे, अभी तक वो काम हुआ नहीं, मतलब आधा अधूरा काम हुआ, पर बहुत ट्राई करें हम लोग ने आज कम्प्लीट करने की, क्योंकि कल के दिन टाइल्स लगेगी, आज उन लोगों ने प्लास्टर वाली चीज़ पूरी करें, कल टाइल्स लगाएंगे। 5 बज के जा चुके हैं तो अभी मैं आपको प्लास्टर दिखा देता हूँ। ये रहा कुछ, आज अंकल लोग ने पूरा दोपहर के टाइम पे ये पूरी चीज़ हो गई, क्योंकि ये पूरा दोपहर में ही कर लिया दोनों ने। और फिर जब खाना खा के आए तो खाना खाने के बाद ये चीज़ हुई, ये वाली, और इधर का प्लास्टर हुआ ये साइड का। इतने थक गए गाइस, मम्मा मैं तो आप इतना थक चुके हैं, एनर्जी नहीं बची है, बात करने की भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि खाना खाए, खाना खा के वापस लग गए और ज़्यादा टाइम भी नहीं करे हम लोग ने, मतलब थोड़ा खाना खाए आधे घंटे के अंदर काम चालू कर दिए। अंकल लोग ने अपने ये प्लास्टर वाली चीज़ करे, फिर जो जो नानी को देने का था सामान वो सब अलग करे, और जो भंगार वाले को देना है वो चीज़ अलग करे, और जो यूज़फुल नहीं है मतलब फेंकने वाली चीज़ थी वो अलग करे, और जो हम लोग को नीड है वो हम अलग करे। देखते कल हम लोग क्या क्या कम्प्लीट करेंगे, तो मैं अभी थोड़े टाइम में आपको मिलता हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेश भी होना है। देखते अगर कुछ आज अभी और कुछ करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, वरना मैं आपसे मिलता हूँ आगे। द नेक्स्ट डे, तो हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, आज है डे 3, मतलब वैसे अब लॉक चालू करके डे 4 हो गया, पर अंकल लोग का काम चालू हो गया, आज का तीसरा दिन है, तो आज के तीसरे दिन में अंकल लोग टाइल लगा रहे, तो मैं पहले आपको बाहर से दिखा देता हूँ या पहले इधर से दिखा दूँ। चलो जैसे पहले दिखा, इधर से काम चालू है, अभी टाइल्स लग रही और एक ड्रम में टाइल्स डुबा रहे हैं, फिर लगाएंगे क्योंकि वो प्रॉपर स्टिक हो, प्रॉपर बैठे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ।
दिनों आप चले और वहाँ पे मम्मा मम्मा नाश्ता बना रहे। सो गाइस आज शाम कल लोग टाइल्स का पूरा काम करेंगे और लंच के बाद भी, और लंच से पहले तो अभी काम चालू है टाइल्स का, और जो ये पीछे ये जो है ये निकाल के पूरा नया लगाना है पलाई। ये एक्चुअली वुडन की थी तो वही लकड़ी का वापस डालेंगे ये चीज़ में, और क्या काम था, और किचन किस में भी आज होगा, देखते हैं जितना पॉसिबल है। आपको बाहर दिखाता हूँ चल के, अभी आपने तो देख लिया, पर एक बार वापस घर का दिखा देता हूँ, फिर बाहर चल के मिलते हैं। सो ये है, हाँ मेहंदी वड़ा, तो ये है, वैसे अच्छा लग रहा है, ये चालू हो गया है। ये रही टाइल्स, इधर अंकल पानी निकाल रहे टाइल्स, इसे पूरा भिगाना पड़ता है, फिर उस टाइम इधर मटेरियल तैयार हो रहा है पानी। सो गाइस अभी हम लोग का नाश्ता अलहमदिल्ला हो गया, नाश्ता वाश्ता करके हम लोग बैठे, और आज जैसा तीसरा दिन था, तीनों दिन, दो दिन आपको मैंने पसारा दिखाया और आज तीसरे दिन भी पसारा दिखे, ये पसारा ख़त्म ही नहीं हो रहा। जो मैंने पलंग की बात किया था, अभी ये पलंग खाली हो रहा है, उसके बाद मम्मी के पीछे जो पलंग है वहाँ पे वो खाली करेंगे। कलर वाली चीज़ मुझे लगा था बहुत ईजी रहेगा, बस ये तीनों दिन इतना पसारा निकला है। मिलते हैं आपसे आगे। एक अंकल लोग अभी खाना खाने गए, एक 10 हो रहे हैं, तो अंकल लोग अभी तक इधर से लेके इतना काम कंप्लीट हुआ है, इधर से लेके सुबह से जब से आए 10 बजे, जब से यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक काम कंप्लीट हुआ है। अभी खाना खा के आएंगे तो ये दीवार करेंगे अंकल बोले, और फिर किचन का करेंगे जो किचन का है, फिर देखते हैं फिर उसके बाद क्या चीज़ें क्या नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी दूसरे पलंग का सामान निकला, और देखो कितना सामान है, पूरा फैल गया, देखो सब निकाल रहे मम्मी, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ भंगार वाली है। तो गाइस इधर अभी किचन की टाइल्स चालू हो रही है लगने की, अभी अंकल चालू कर रहे हैं यहाँ पर, इधर का तो ऑलमोस्ट हो गया। Next morning. Hello guys, आज day 4 है। तो देखते हैं आज क्या क्या चीज़ करने वाले। आज एक्चुअली किचन की चीज़ रही है, और अब ये जो पलाई है ये टूट रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और किचन की लोडिंग हो गई, अभी मम्मी लोग सब बाहर हैं, बज रहे हैं अभी 9:30 मतलब 9:45 हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वाली चीज क्या चल रही है इसकी, और फिर किचन के लिए जो फ्लाई है इधर ये पूरा टूट जा रहा है, ये पूरा, और किचन के इधर चल रहे हम लोग का नाश्ता, क्योंकि हम लोग का चूल्हा तो अंदर जहाँ पे खाना बन रहा है, मतलब खाना बोल रहा हूँ घर बन रहा है, तो ये इधर हम लोग का नाश्ता हो रहा है, इधर अंडा चल गया, अंडा सब मैंने चला, और ये चूहला बज रहे हैं कुछ 5, और आज अंकल लोग बहुत जल्दी चले गए गाइस, उन लोग का पता नहीं आप लोगों को समझ नहीं आया क्या काम था, POP का काम करे उन लोग ने, और जो बाथरूम की फ्लोरिंग थी
और बाथरूम के साइड पर वो था क्या बोलते टाइल्स लगाने का था, चेंज करने का था। तो लोग बोले कल मटेरियल लेके आएंगे, कल चेंज करेंगे। मेरे को समझना है, मम्मी को भी समझना है, काई को लोग डिले कर रहे हैं सब चीज़ के लिए। तीन आज का हम लोग का चौथा दिन था शायद, तो पता नहीं और दो तीन दिन मेरे ख्याल से और लगेगा। लोग को एक फ्लोरिंग की चीज़ रहेगी लोग की, और फ्लोरिंग के बाद लोग कलर का रहेगा, मतलब अभी कभी शायद कलर भी कर लेंगे। जो मैं बोल रहा था फ्लोरिंग वाली चीज़, ये फ्लोरिंग रहेगा ये चेंज करने का, और ये साइड का ये चीज़ का ये चेंज करना है, और इसका भी चेंज होगा, ये जो है ये भी चेंज होगा। इसका काम बाकी है और इसका काम बाकी है, ये तब तो चेंज करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। अभी ये सब तो हो गया, और जो पीओपी वाली चीज़ है देखो, पीओपी वाली एसी पी उन्होंने करके गए, ये एक्चुअली आज पूरा नया लगा है, मैंने आपको दिखाया था आगे, ये पूरा नया लगा है लाइट, और इधर पूरा पीओपी करे ले, और ये रूम में भी पूरा पीओपी करे ले, देखो ये रूम में भी पूरा पीओपी करे, और इधर ना गैप था, आप अगर शायद से देख लोगे तो आपको गैप मालूम होगा, उधर खड्डा था, तो ये पीओपी से पूरा भर दे लोगे, और यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट हो गया। एक टाइल उन्होंने थोड़ा लेगा इसे, एक टाइल ना मैं दिखाता हूँ आपको, अभी लोग कल बोलने गए ये चीज़ के लिए बात करना है। धन्य हो गया, एक तो ना इतना काम निकल रहा है, और आज हम लोग का ब्लॉग भी आ गया है, ये मेरे बर्थडे का जो शहजी ने सरप्राइज दी थी वो आ गया है ब्लॉग। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग हर एक चीज़ में, प्लीज़ हम लोग भी चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करते रहो, कि बहुत टाइम से मेहनत चालू है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को बजाना मत भुला करो। ये शूज था, ये क्लिप में ना शूज था, बहुत प्यारा था। तो अभी तो मजा लो, जो अभी हम लोग के बाकी काम है गाइस वो करने के लिए, तो सामान वामान रखने गए, तो अभी मैं जा रहा हूँ सामान वामान रखने के लिए, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट कल मिलता हूँ, ओके। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कल, और देखते हैं और कितना दिन चलते हैं, तो मिलते हैं आपसे।